केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि देश में अगली जनगणना ई जनगणना होगी। यह अगले 25 साल के लिए विकास संबंधी नीतियों को आकार देगी। उन्होंने कहा कि 2024 तक देश में सभी जन्म और मृत्यु को जनगणना से जोड़ दिया जाएगा, जो अपने आप अपडेट होता रहेगा। कोरोना महामारी के चलते जनगणना प्रक्रिया में देरी हुई है। जनगणना प्रक्रिया का डिजिटलकरण किया गया है और अमीना गांव में जनगणना कार्यालय का उद्घाटन करने से जनगणना प्रक्रिया का डिजिटलकरण किया गया है और अमीना गांव में जनगणना कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि 100% सटीक गणना सुनिश्चित करने के लिए जनगणना प्रक्रिया का डिजिटलकरण किया गया है। कई पहलुओं के चलते जनगणना जरूरी है। आबादी को लेकर संवेदनशील असम जैसे राज्यों के लिए तो यह और भी अहम है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 तक जन्म और मृत्यु रजिस्टर को जनगणना से जोड़ा जाएगा। हर जन्म और मृत्यु को पंजीकृत किया जाएगा, जिसका अर्थ है कि हमारी जनगणना अपने आप अपडेट होती रहेगी। जन्म के बाद विवरण जनगणना रजिस्टर में जोड़ा जाएगा। 18 वर्ष के होने के बाद नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा और मृत्यु के बाद नाम हटा दिया जाएगा। नाम और पता परिवर्तन आसान होगा। आधुनिक तकनीक से जनगणना को और सटीक, वैज्ञानिक व बहुआयामी बनाया जाएगा। इसके डेटा के विश्लेषण की उचित व्यवस्था होगी। इससे पहले शाह ने मनकाच्छर सेक्टर में भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि देश की सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जवानों को अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास का अभाव है, जिसकी वजह से लोगों का पलायन हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीमावर्ती इलाकों के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र BTR के समग्र विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। CAPF कैंटीन में खाद्य उत्पादों की बिक्री का शुभारंभ, तमुलपुर में BSF के केंद्रीय कार्यशाला और स्टोर का शिलान्यास करने के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री सारे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF की 107 कैंटीन में खाद्य उत्पादों की बिक्री का शुभारंभ किया। शाह ने कहा कि 7 साल पहले भाजपा ने जो वादा किया था कि राज्य से उग्रवाद को ख़त्म कर देगी, तब से अब तक 9,000 उग्रवादियों ने हथियार डाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL.